Oh my god. Oh my god. दोस्तों कोकोनट वाटर का मोस्ट अमेजिंग बेनिफिट में से एक है हमारे बॉडी को डिहाइड्रेशन से रिकवर करना। लेकिन इसके अलावा भी इसके बहुत सारे अमेजिंग बेनिफिट है जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि कोकोनट वाटर अगर आप ले रहे हो उसका सही तरीका क्या है, एंड एक लाइव टेस्ट करा के दिखाएंगे कि एक कोकोनट से आपको कितना TDS मिलता है विद द हेल्प ऑफ ए TDS मीटर। तो TDS चेक करने के लिए सबसे पहले हमें एक ज़रूरत पड़ेगा कोकोनट की, तो इसे हम लोग काट लेते हैं। तो ये नाइफ से काटना बहुत ही इजी है। सो ये रहा हमारे पास एक प्योर कोकोनट। तो इसको होल क्रिएट करने के लिए हम पहले इसका जो फ्रंट पार्ट है उसे काट लेते हैं। एंड काटने के बाद ही हमें एक्सेस मिल जाता है इसका जो, ओ माय गॉड। एंड आफ्टर दैट इसका हम लोग TDS चेक करके देखते हैं कि कितना मिनरल्स हमें एक्सेस मिलता है। वैसे तो WHO का अगर हम लोग गाइडलाइन फॉलो करें विद इन 200 TDS का जो वाटर होता है वो हमें पीना पड़ता है। अभी देख लेते हैं, TDS मीटर को पहले ऑन कर देते हैं। आप देख सकते हो कि इसका लेवल जो है वो एकदम ज़ीरो है। तो इसका TDS कितना होता है अभी चेक कर लेते हैं। ओके, इसका TDS आ गया है 411 into 10। आप देख सकते हो जो डिजिट है 411 into 10, इसका मतलब है 4100 एंड समथिंग अराउंड कुछ। तो इतना ज़्यादा TDS मतलब इसमें मिनरल भरा हुआ आप लोगों को मिलेगा। तो इसके अंदर बहुत सारा पोटेशियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, आयरन एंड कैल्शियम भी बहुत मात्रा में मिल जाता है। ये आप ऑलरेडी जानते हो, जो फर्स्ट बेनिफिट में हम लोगों के लिए बहुत यूज़फुल होता है जो है डिहाइड्रेशन को रिकवर करना। दोस्तों बॉडी को डिहाइड्रेशन से रिकवर करने के अलावा भी इसके जो अमेजिंग बेनिफिट में से सबसे पहला बेनिफिट ये है कि इसके अंदर बहुत सारा अमीनो एसिड आपको मिल जाता है, जैसे एलानिन, आर्जिनिन, सिस्टीन, सीरीन। ये सारे जो अमीनो एसिड है मिल्क से भी ज़्यादा क्वांटिटी में आपको कोकोनट वाटर से मिल जाता है। एंड जब भी आप हार्ड वर्कआउट करते हो आपका मसल स्ट्रेस में आ जाता है, या फिर कोई हार्ड वर्क करने से भी जब मसल स्ट्रेस में आ जाता है, तो कोकोनट वाटर पीने से आप लोगों को इमीडिएट एक मसल रिकवरी का बूस्ट मिल जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग बात कर लेते हैं जो मोस्ट एसेंशियल है, वो है किडनी में स्टोन फॉर्म हम लोगों को तभी करता है जब भी हम लोग कोई भी खाना खाते हैं उसके अंदर जो कैल्शियम होता है, एंड उसके बाद हम लोग प्रॉपर क्वांटिटी में अगर वाटर नहीं पीते हैं तो धीरे धीरे कैल्शियम के वजह से हम लोगों के किडनी में स्टोन फॉर्म करना होता है। तो इसके अंदर ऐसे कुछ एलिमेंट्स हैं जो किडनी में स्टोन होने से प्रिवेंट करता है। दोस्तों कोकोनट वाटर का नेक्स्ट बेनिफिट है इसके अंदर बहुत सारे विटामिन, बी सीरीज का विटामिन आपको मिल जाता है, जैसे B2, B3 बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आपको मिलता है। एज वेल एज इसमें फोलिक एसिड ज़्यादा होने के वजह से जो हीमोग्लोबिन का रिप्रोडक्शन है उसमें आपको बहुत ज़्यादा इंक्रीज देखने को मिलता है। फीमेल के लिए ये बहुत अच्छा होता है क्योंकि इरेगुलर पीरियड जिन लोगों को प्रॉब्लम है उससे फोलिक एसिड बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है उसे रेगुलर में कंटिन्यू कराने के लिए। दोस्तों बात कर लेते हैं सबसे डिमांडिंग टॉपिक जो है वेट लॉस। अगर आप कोकोनट वाटर को प्रॉपर क्वांटिटी में इंटेक कर रहे हो तो इसके अंदर जितना भी सारा अमीनो एसिड है वो आपके बॉडी का जितना भी सारा स्टैटिक फैट है वो जल्दी बर्न करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, एंड इससे आपका जो वेट लॉस है उसमें आपको यूज़फुल रिजल्ट मिलता है। दोस्तों वैसे तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं बेनिफिट का, सब कवर करने लग जाऊंगा वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, लेकिन लास्ट बट नॉट द लिस्ट, कोकोनट वाटर ड्रिंक करने से इसके अंदर होता है एंटी एजिंग प्रॉपर्टी जो आपके स्किन के लिए, हेयर के लिए, एंड आपको एक यंग लुक देने के लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। एंड साथ ही साथ इसके अंदर जो एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है उससे आप लोगों का जो ब्लड प्रेशर है वो भी कंट्रोल में रखने के लिए ये बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। दोस्तों फाइनली बात कर लेते हैं कि कोकोनट को हम लोग कंज्यूम कैसे करें। अगर आप वेट लॉस प्रोग्राम में हो या फिर फैट बर्न करने की सोच रहे हो, इन दैट केस आप ग्रीन कोकोनट को कंसिडर करो क्योंकि इसका कैलोरिक वैल्यू जो है वो बहुत ही कम है, एंड इसका जो कैलोरी वैल्यू है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। तो वेट लॉस में आप अगर इसे कंज्यूम करते हो तो ज़्यादा हेल्प आपको नहीं मिलेगा। एंड सेकेंड थिंग इज़ दैट अगर आप डेली कंज्यूम करना चाहते हो तो 100 ml करके 100 ml to 200 ml तक आप डेली कंज्यूम कर सकते हो, अदरवाइज आप वीकली 4 days इसे कंज्यूम कर सकते हो। पोस्ट वर्कआउट या प्री वर्कआउट बोथ द केसेस आप एनी टाइम दिन में कभी भी आप इसे कंज्यूम कर सकते हो, एंड रात में थोड़ा बहुत कंज्यूम करने से आपको जो मसल रिकवरी है उसमें भी हेल्प मिलेगा। सो गाइज अगर वीडियो अच्छा लगे मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, हिट द बेल आइकन, एंड अपने बिलव्ड एंड फेवरेट पीपल को जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग यूट्यूबियन डेज।